Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कायनात दी वर्ल्ड। आप सबका मेरे चैनल कायनात दी वर्ल्ड में स्वागत है। कैसे हैं आप सब भाई? आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज मिला है मुझे फुल डे रेस्ट, क्योंकि आज मैं पूरा दिन घर पे रही हूँ। बहुत सुकून मिला है, बहुत आराम मिला है, काफ़ी टाइम के बाद, बहुत ही दिन के बाद में। वरना इतनी भागदौड़ चलती रही है इतने टाइम से कि बिल्कुल रेस्ट भी नहीं मिल रहा था, सुकून भी नहीं मिल रहा था, पढ़ भी नहीं पा रहा था। सुकून से पढ़ भी लिए हैं और आराम भी काफ़ी मिल गया है। और कल पार्टी से भी आके काफ़ी लेट हो गया था, फिर एडिटिंग करना था। और आज है लास्ट हमारी शबे कदर की रात, तो इंशाल्लाह आज भी करनी है इबादत और खूब माफ़ी मांगनी है, अल्लाह से खूब मांगना है। तो बस फिर चलिए फ्रेंड्स, अब अफ्तारी का टाइम हो रहा है, अब चलते हैं अफ्तारी करने के लिए। और उसके बाद में मैं अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी। शॉपिंग क्या, सलीम ने और भैया ने मुझे जो कपड़े दिलाए हैं वो दिखाना है, मामा ने जो बच्चों को कपड़े दिलाए हैं वो दिखाना है। तो चलिए फिर मिलती हूँ अभी। तो हेलो फ्रेंड्स, चलिए मैं आप लोगों को जल्दी से अपने सूट दिखा देती हूँ जो मुझे भैया भाभी लोग की तरफ से मिले हैं। ये सबसे पहले है भैया और भाभी की तरफ से ये वाला सूट, देखिए कितना खूबसूरत है, कॉटन में है, क्योंकि मुझे हल्के सूट बहुत पसंद है। अभी गर्मी वैसे ही है तो मुझे ऐसे ऐसे लाइट वाले जो कपड़े होते हैं वो अच्छे लगते हैं, क्योंकि हैवी सूट जो होते हैं वो तो रखते हैं आपको तो भी पता है, मुझे ऐसे सिंपल सोवर कपड़े ज़्यादा पसंद आते हैं। वो बड़ी मुश्किल से मजबूरी में मैं कुछ पार्टी वेयर कपड़े लेती हूँ, वरना मैं ऐसे कपड़े पसंद करती हूँ। और ये वाला सलीम शुरू की तरफ से है, और एक ये भी है। बहुत टाइम के बाद सलीम शुरू मुझसे मिले हैं तो उन्होंने मुझे दो दिला दिए। वो कह रहे हैं अभी तो बहुत टाइम के बाद में मिली है हमसे, इसलिए तुम अपना कोटा पूरा करो, ठीक है। तो ये देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देती हूँ, इस पर बटन दिखाती हूँ। और ये तो भैया ने लेके रखा हुआ था जब मैं आई थी इधर, ये जब मैं आई हूँ तो भैया ने लेके रखा हुआ था। और ये अभी फिर कल सलीम मुझे लेके गए थे मार्केट, तो तब उसने मुझे दिलाया है। और ये रहा उसका खूबसूरत सा दुपट्टा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं कितनी दीवानी हूँ रेड की, तो फाइनली मैं फिर से रेड लेके आ गई हूँ। मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि अगर ऑप्शन में रेड होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये रहा मेरा सूट, और ये देखिए इसका सूट, ये इसका देखिए, मैम अच्छे लग रहे हैं कपड़े। अरे जायमा से कम है, लेकिन जायमा के पास बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस है। और देखिए फ्रेंड्स, इसका दुपट्टा देखिए कितना खूबसूरत है। अरे खुल जा भाई, ये देखिए कितना खूबसूरत दुपट्टा है। और ये कॉटन में नहीं है, ये जॉर्जेट में है सूट, देखिए कितना अच्छा है। दिखा रहे हो भैया सूट, दिखा रहे हो क्या हमको? दिखा रहे हो सूट को? हाँ ये देखिए अच्छा लग रहा है ना। अभी यहाँ पे टाइम नहीं है, इसलिए मैं इसे वहीं आराम से इत्मीनान से, जब टेलर भी थोड़े फ्री हो जाएंगे तब मैं ये उनसे सिलवाऊंगी। दुपट्टा इसका बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है, देखिए। और फ्रेंड्स, अब बच्चों के कपड़े दिखा देती हूँ। कपड़े क्या वहां से जो लाई हूँ वो लगभग तो आप उन्हें अभी तो नहीं देखे थे शायद, तो मैंने लास्ट टाइम पे सिलाए थे कपड़े। और ये मम्मा आ गई है, मम्मा की एंट्री हो गई है, यहाँ से नालकोस लेके आई है, मोदा की फेवरेट, मतलब मोदा की मेन डिश लेके आई है। तो ये रहा फराज का कुर्ता, ये अभी मम्मा पापा ने दिलाया है कल, वो तो खुद नहीं गए थे मम्मा पापा, सलीम को भेज दिया था उन्होंने, तो सलीम के साथ में जाके ये दोनों बच्चों को कुर्ते आए हैं। लेकिन फैज का भी हम कुर्ता नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि फैज ने बोला कि मैं डायरेक्ट पहन के दिखाऊंगा, तो इंशाल्लाह फैज का कुर्ता तभी दिखाएंगे जब वो इंशाल्लाह पहन लेंगे। तो ये फराज का कुर्ता है, देखिए कितना खूबसूरत है। और ऐसे ही सेम जोहेर का भी है कलर, अभी जोहेर के पापा अपने मॉम को दिखाएंगे। तो ये रही हमारी यहाँ की शॉपिंग, और अभी तो और भी बाकी है। अब कल इंशाल्लाह हम जाएंगे चूड़ियाँ लेने, हम सबकी फेवरेट चीज जो है, और हमारी जो बड़ी भाभी है ना उन्हें जाती चूड़ी लेने, लेकिन कल हम लोग जबरदस्ती लेके जाएंगे उनको, क्योंकि अभी हम लोग दो हो गए ना, छोटी वाली भाभी और हम दोनों जाएंगे, तो बड़ी भाभी को भी लेके जाएंगे। तो इंशाल्लाह चलिए फिर, ये तो हमारी ये हो गई शॉपिंग, अब मिलते हैं थोड़ी देर। तो गाइस फैज देख लो भैया, इतना बिजी हो तुम। तो फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स अभी हम लोग आए थे मार्केट, कुछ ज़रूरी काम था हम लोगों को। ज़रूरी काम क्या, मैं अपना हेयर ब्रश भूल गई वहाँ पर, जो मुझे लेना था और भी कुछ ज़रूरी चीज़ें थी। तो बस अभी हम लोग आए हैं मार्केट, अभी आना जाना तो लगा ही रहेगा मार्केट में। और बस फिर तो बच्चे लोगों को, मतलब सलीम को, फैज को मोमोज खाना था, तो इनकी चल रही है मोमोज पाउरी यहाँ पर। अभी फिंगर मंगाया, फिंगर आप सारे फिंगर भी खाओगे भैया, ज़्यादा दीजिए 20 रुपये। तो बस ये लोग एंजॉय करते हैं मोमोज, मैं नहीं खा रही, मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है मुझे, अभी इतनी ज़ोर से चुस्का लगा था आशी भाई के यहाँ पर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कुछ मन नहीं लग रहा है। बस फिर मोमोज खिला के चलते हैं घर। अभी हम लोग आज शबे कदर भी है, तो आज जल्दी जल्दी इबादत में भी लगना है। तो फ्रेंड्स खाना लग गया है और सलीम पापा का वेट कर रहा है। सलीम टेस्ट कर रहा हूँ, अभी देखो निकाला भी नहीं मैंने, पापा का वेट कर रहे हो तो। और भैया आज बाहर गए थे काम से, तो अभी आए हैं ढंग की अफ्तारी, वहाँ पे कहीं बाहर में मिली नहीं है उनको, मतलब मन नहीं किया है, तो इसलिए उनको भूख लगी है, इसलिए शुरू हो गए। और हम और सलीम पापा का वेट कर रहे हैं, और भाभी दुपट्टा ओढ़ के घूम गई है। तो ये हमारे पापा आ गए हैं तरावी पढ़ के। हाँ वालेकुम अस्सलाम, आदाब। पापा आपको पता मेरी ऑडियंस आपसे बहुत प्यार करती है और आपको बहुत मिस करती है, जब आप मेरे व्लॉग में आना बंद हो जाते हैं तो काफी लोग आपको मिस करते हैं। अल्लाह ताला आप सभी को खुश रखे। हाँ खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। यस ठीक, वाले का नाम लेते रहो। हाँ तो बस फिर अब पापा हमारे व्लॉग में खूब दिखने वाले हैं, क्योंकि पापा हमारे साथ अलीगढ़ जाएंगे। सभी को आई मिस यू। ठीक है पापा, सलीम वेट कर रहा था आपका, बिल्कुल उसने टच भी नहीं किया है। तो फ्रेंड्स आज थी शबे कदरे की आखिरी रात, पांचवी जो रात थी आज शबे कदरे की, इस रमज़ान की आखिरी रात, तो वो पूरी हुई अल्लाह का शुक्र है। खूब इबादत करी, सब जागे, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर मौदा में आके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सब लोग हैं यहाँ पर, सबके साथ में इबादत करने में, जागने में, ईद की तैयारियाँ करने में खूब मज़ा आ रहा है। तो आज हो सकता है कि लास्ट रोज़ा हो, आज जुमा भी है, आज अलविदा जुमा भी है और लास्ट रोज़ा भी हो सकता है। तो इंशाल्लाह देखिए कल क्या होता है। वैसे तो कल पूरा पॉसिबल ही है कि ईद हो सकती है, लेकिन फिर भी अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि चांद के ऊपर डिपेंड होता है सब कुछ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे ब्लॉग देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय। जय हिंद भारत।